अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द रियलिटी टॉकर। बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने ये सवाल करते सुना कि आखिरकार हम अपने बच्चों की किस तरह से हेल्प कर सकते हैं कि हम उन्हें कॉन्फिडेंट कर सकें, यानी हमारे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है और हम क्या कर सकते हैं कि हमारा बच्चा जो है कॉन्फिडेंट बच्चा बन सके। सो ये सारी वीडियो आज उसी के मुतालिक है और ख़ासतौर पर ये पेरेंट्स के मुतालिक है। सो मेरी गुजारिश होगी कि आप ये वीडियो जो है वो एंड तक देखें। सो देखें, जैसा कि कहा जाता है कि बच्चे की जो पहली जो सीखने की जो गोद होती है वो माँ की है और बच्चा माँ की गोद से सीखने शुरू करता है और देन सबसे ज़्यादा जो चीज़ बच्चे को सिखाता है वो होता है घर का माहौल। घर का माहौल एक ऐसी चीज़ है जो कि बच्चा शुरू से ऑब्जर्व करता है और जो कुछ उसके घर के माहौल के अंदर चल रहा होता है, जो कुछ उसके पेरेंट्स खासतौर पर कर रहे होते हैं, क्योंकि बच्चे के सबसे पहले रोल मॉडल्स उसके पेरेंट्स होते हैं और जो कुछ वो कर रहे होते हैं बच्चा उन्हीं को ऑब्जर्व करता जाता है और उसके वो दिमाग में चीज़ें फीड होती जाती हैं। अब पेरेंट्स बेशक जो मर्जी जुबानी कलामी कहते रहें, बच्चा उस चीज़ पे कभी अमल नहीं करता। बच्चा हमेशा उस चीज़ पे अमल करता है जो कुछ पेरेंट्स प्रैक्टिकली कर रहे हैं। हमारे पेरेंट्स हमेशा से हम लोगों को मुख्तलिफ बातें बताते हैं कि बेटा ये काम इस तरह से करो, बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो कुछ पेरेंट्स उसके अपोजिट काम कर रहे होते हैं जो कुछ वो बोल रहे होते हैं। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जो कुछ पेरेंट्स बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं वही वो खुद भी उस पर अमल कर रहे हैं। सो देन जो कॉन्फिडेंस में जो कमी लाता है बच्चे की सबसे ज़्यादा वो होता है जो बच्चा अपने पेरेंट्स को ना बचपन में लड़ते हुए देख ले। उसकी मिसाल इस तरह से कि एक बम अगर किसी बच्चे के सामने गिरे तो उस बम की जो याददाश्त है ना, ये जो उसका फैक्ट है, वो तकरीबन आपको 3 दिन तक रहता है, 3 से 4 दिन तक। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप लोग उस चीज़ को भूलना शुरू कर देते हो। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स आपके सामने लड़ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि मेरा वालद मेरी माँ के साथ ज्यादती कर रहा है या मेरी माँ के साथ जो है यहाँ पे तशद्दुद कर रहा है मेरा बाप, तो वो चीज़ आप पूरी जिंदगी नहीं भुला सकते और वो चीज़ हमेशा आपको डिस्टर्ब करती है और आपके कॉन्फिडेंस ना होने की बहुत बड़ी वजह ये चीज़ बनती है, क्योंकि ये चीज़ें आपके दिमाग में हिट होकर रह जाती हैं और कभी भी आप इन चीज़ों को अपने दिमाग से नहीं निकाल सकते। देन सबसे ज़्यादा जो चीज़ नोटिस में आती है वो ये आता है कि मेरा बाप कैसा है, उसका घर में क्या रवैया है, क्या मेरे बाप में सब्र है, क्या बर्दाश्त है, उसके बात करने का अंदाज क्या है, उसका घर वालों के साथ रवैया कैसा है। देन अगर मेरा बाप एक बहुत बड़ा ऑफिसर है तो क्या वो घर में भी ऑफिसर है या वो घर के अंदर मेरा बाप है। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं किसी भी बच्चे के कॉन्फिडेंट होने या ना होने में। देन बच्चा जो सबसे ज़्यादा सीखता है ना, वो तब सीखता है जहाँ पे आप पेरेंट्स के अदब की बात आती है कि जो मेल बच्चा होता है हमेशा उसकी एफिलिएशन ज़्यादा वो बाप से सीखता है और फीमेल जो हमेशा अपनी माँ से सीखती है। बच्चा हमेशा ऑब्जर्व करता है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो अपने वालदैन का कितना अदब कर रहे हैं, यानी अगर मेरा बाप है वो मेरे दादे का या मेरी माँ है तो वो मेरी नानी की या नाने की या मेरी दादी की कितनी इज्जत कर रहे हैं, क्या मेरा दादा आता है तो क्या मेरा बाप जो है वो खड़ा हो जाता है, क्या उन्हें रिस्पेक्ट देता है, क्या उनकी बात वो गौर से सुनते हैं या नहीं सुनते। ये सब चीज़ें जब आप प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं और बच्चा उस चीज़ को बड़ा डीपली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, क्योंकि उसकी वो सीखने की उम्र होती है और वो फिर बाद में ऐसे ही करता है जैसा कि आप उस टाइम कर रहे होते हैं। अक्सर हमारे पेरेंट्स ये शिकवा शिकायत कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चे जो है बड़े नाफरमान हैं, हमारे बच्चे बात नहीं सुनते या हमारे बच्चे जो है हमारी जो है वो इज्जत नहीं करते। सो उसके पीछे बहुत सारे फैक्ट्स जो है वो होते हैं। मैं हमेशा बच्चों को भी यही कहूँगा, जो भी हो आपके पेरेंट्स हैं और आपको उनका रिस्पेक्ट करना है, जो भी बड़ा हो और खासतौर पर पेरेंट्स का, तो आपने रिस्पेक्ट करना ही करना है। लेकिन हम अगर उसका डीपली एनालिसिस करें तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, जिनमें से एक फैक्ट ये भी है कि बच्चे ने जो चीज़ बचपन से देखी नहीं है। अगर एक पेरेंट्स ये कहते हैं कि मेरा बच्चा रिस्पेक्ट से किसी से बात करे, लेकिन उसके पेरेंट्स किसी से रिस्पेक्ट से बात ही ना करते हों, उसे रिस्पेक्ट ही किसी को ना देते हों, तो आप किस तरह से ये सोच सकते हैं कि मेरा बच्चा जो है किसी को रिस्पेक्ट देगा। उसकी छोटी छोटी मिसालें इसी तरीके से हैं कि हमारे घर काम करने वाले मुख्तलिफ लोग होते हैं, काम करने वाली मासियाँ होती हैं या कुछ जो मेल होते हैं स्टाफ वो होता है, तो क्या है कि अगर तो वो बच्चा देख रहा है कि मेरा बाप जो है या मेरी माँ जो है वो हमारे घर जो काम करने वाले हैं उन्हें रिस्पेक्ट दे रहा है, वो बच्चा भी कल को उनको रिस्पेक्ट देगा। वो किस तरह से कि अगर कोई चीज़ आपने अपने काम वाले को कहनी है तो आपके पास दो तरीके हैं कहने के। एक तो ये है कि आप ज़ोर ज़बरदस्ती सख्ती से उसको कहो, देन एक ये है कि आप रिक्वेस्ट करो। अब आपने बात करनी है, लेकिन अब वो दो तरीके हो गए हैं कि आप बात कर किस तरह से रहे हो। एक के थोड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट्स जाते हैं, एक के नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं। सो इस चीज़ को कि जब आप लफ्ज़ चुन रहे हो किसी को भी कोई बात कहने से, वो किस टाइप के अल्फाज हैं, क्या वो नेगेटिव जो है वो इम्पैक्ट दे रहे हैं या पॉजिटिव इम्पैक्ट, तो ये इम्पैक्ट जो है आपके बच्चे को खास तौर पे जो है बड़ा वो असरअंदाज करते हैं। देन ये पहली तो बात हम लोगों ने कर ली कि बच्चा जो देखता है, जो विजन उसको दिखाया जाता है। देन दूसरी बात ये होती है रोल मॉडल्स।
हमेशा कोशिश करें कि आप अपने बच्चे की जिंदगी के अंदर कुछ रोल मॉडल्स दें, उसको कुछ एग्जांपल्स दें कि बेटा देखो ये शख्स क्या कह रहा है, उसके सामने 8-10 एग्जांपल्स रखें, उसको लोगों से मिलाएं कि बेटा अगर आपने ये बनना है तो ये देखो ये लोग इस तरह से काम करते हैं, या बेटा अगर हम लोग गरीब हैं तो इट डजंट मीन कि आप कुछ कर नहीं सकते। उसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से दूंगा कि एक खाक रूप का बच्चा जो कि सेक्शन ऑफिसर बन गया, अब देखा जाए तो वो एक खाक रूप का बच्चा था, और अगर खाक रूप उसको हमेशा से मोटिवेट ना करता तो क्या वो सेक्शन ऑफिसर बन सकता था? बच्चा कभी नहीं बन सकता था, उसके पेरेंट्स ने उसको इतना मोटिवेट किया। और दूसरा, आप जो कुछ अपने औलाद को बनाना चाहते हैं हमेशा उसको बचपन से उसी तरीके से डील करें। अगर आप उसको एक जज बनाना चाहते हैं तो हमेशा उसे बचपन से इसी तरीके से डील करेंगे, आप बेटा जज बनोगे फ्यूचर में तो ये मॉरल वैल्यूज हैं, ये एथिक्स हैं, सारा कुछ ठीक है, आप भी उसको उसी तरीके से एज अ जज की तरह डील करें। तो वो चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं बच्चे में, और वो उसके दिमाग के अंदर जो है बड़ा गहरा जो है इम्पैक्ट डालती हैं। देन उसके बाद जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ कि गुर्बत, तो देखें वसाइल काम हो सकते हैं, रोटियां काम हो सकती हैं घरों में, लेकिन कदरें जो है वो काम नहीं हो सकती। कभी आपने अगर किसी को रिस्पेक्ट देना और लेना सीख लिया है ना, वो सबसे बड़ी बात है। और रिस्पेक्ट देने और लेने के अंदर कभी भी आपका पैसा या आपकी या मेरी गरीबी नहीं काउंट होती। जो कदर है ना, जो मॉरल वैल्यूज हैं, वो हमेशा से ज़्यादा होनी चाहिए, वो काम नहीं होनी चाहिए। जिस दिन वो कम हो जाए उस दिन आपका अपना आप मारा गया, फिर आपके पास जितना मर्जी पैसा, बंगले, जायदाद, जो कुछ भी है उसका कोई फायदा नहीं है, जबकि आपके अंदर कदर ही नहीं है। दो चीजें हम लोगों ने कर ली। देन उसके बाद आता है एक्सपोजर। आप बच्चे को एक्सपोजर दें, अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं या अगर आपका अपना बिजनेस है, सो बच्चे को आप अपनी जगह पर लेके जाएं, उसे दिखाएं कि मेरा बाप एक्चुअली काम किस तरह से करता है या कितनी वो मेहनत करता है जो वो मुझे पाल पोस रहा है। देन आप उसे बताएं कि अगर वो नहीं पढ़ता तो अनएजुकेटेड पर्सन का क्या हाल होता है। देन आप उसे मुख्तलिफ ऑफिसर से मिलाएं कि बेटा देखो ये इस तरीके से जो है ऑफिसर्स उठते बैठते हैं। सो ये चीज़ें जो है वो बच्चे को जो है और कॉन्फिडेंट करती हैं और स्ट्रांग करती हैं, क्योंकि बच्चा उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता है और उसे पता लग रहा होता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली उन चीज़ों को देख रहा होता है। लेकिन अगर आप उसको घर बैठे ही सारा कुछ कहेंगे बेटा ये चीज़ें हैं, तो बच्चा कभी भी नहीं समझेगा, ना उसे कभी समझ आएगी, ना कभी वो कॉन्फिडेंट होगा। देन सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो है आपकी कंपनीज, कि आपके ताल्लुकात दूसरे लोगों के साथ किस तरह के हैं, आपके जो उठना बैठना है लोगों के साथ वो किस टाइप के लोगों में, और किस तरह का जो है आप लोगों ने उन लोगों के साथ ताल्लुकात रखे हैं। अगर तो आप लोगों ने एक बहुत ही खुशगवार जो ताल्लुकात हैं वो अपने सोसाइटी के अंदर रखे हुए हैं, बच्चा उस चीज़ को भी ऑब्जर्व करेगा। अगर आपकी किसी के साथ नहीं बनती तो उस चीज़ को भी बच्चा अल्टीमेटली ऑब्जर्व करेगा कि मेरे पेरेंट्स जो है वो उनकी किसी के साथ इतनी ज़्यादा नहीं बनती, या मेरे पेरेंट्स का इतना ज़्यादा रख रखाव नहीं है। तो रख रखाव, ताल्लुकात, लोगों के साथ डीलिंग, लोगों के साथ बात किस तरह से कर रहे हैं, कि ये चीज़ें बड़ी काउंट होती हैं इन सब के अंदर। देन बच्चा हमेशा से ये देखता है कि मेरे बाप का अदब के साथ और इल्म के साथ कितना ज़्यादा ताल्लुक है, चाहे वो दीनी है या दुनियावी। मेरा बाप किताबें पढ़ता है या नहीं, अगर तो पढ़ता है बच्चे का भी अल्टीमेटली शौक पैदा होगा। कुरान पाक पढ़ता है या नहीं, पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, उस बच्चे का भी शौक पैदा होगा। अगर वो नहीं पढ़ता तो वो कभी भी आप ये चीज़ नहीं सोच सकते कि मेरा बच्चा जो है कभी ऑटोमेटिकली जाके कुरान पाक या नमाज पढ़नी शुरू कर देगा, जबकि उसके घर का इस तरह का माहौल ही नहीं। सो पहले आपको खुद वो काम करने पड़ेंगे, अपने घर का एक माहौल एडजस्ट करना पड़ेगा जिसके अंदर बच्चा जो है वो परवान चढ़े। आखिर में देखें, मेरी एक बात याद रखें कि हमेशा हम लोग बच्चों से बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस लगा रहे होते हैं, वो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जो कि हम लोगों ने कभी की नहीं होती। सो पहले आप ये देखें कि मैं खुद क्या कर रहा हूँ, मैं खुद किन चीज़ों पे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशंस कर रहा हूँ, किन पे नहीं। हमेशा बच्चा वही कुछ सीखेगा, वही कुछ करेगा जो कुछ वो प्रैक्टिकली देखेगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है वो प्रैक्टिकली इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, और अपने बच्चे को जो है वो एक बेहतरीन लाइफ का जो एक सैंपल है वो दिखाएंगे, एक नमूना देंगे, ताकि वो भी जो है कॉन्फिडेंट बच्चा बन सके और अपनी लाइफ जो है अच्छे से गुजार सके। मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपने अपना और अपने अपनों का ख्याल रखना है और एक मोटिव याद रखना है, फेस द रियलिटी बिकॉज रियलिटी इज एवरीथिंग। अस्सलाम वालेकुम।